भाजपा बिहार के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी का पटना की सड़कों से लेकर प्रदेश भाजपा मुख्यालय तक कार्यकर्तागण और जनता जनार्दन ने ऐतिहासिक ढंग से स्वागत अभिनंदन किया। साथ ही साथ भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री सरोज रंजन पटेल के नेतृत्व में बेली रोड के पंत भवन से पास प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में बैनर पोस्टर से सजे दर्जनों घोड़े बैलगाड़ी दर्जनों ट्रैक्टर सड़कों पर दिखा। आपको बताते चले उनके आगमन पर भव्य नज़ारा देखने को मिला, तो वहीं उनके स्वागत में बिहार भर किसान मोर्चा के कार्यकर्ता पटना पहुंचे थे। किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव कुमार यादव ने भी नव नियुक्त अध्यक्ष सम्राट चौधरी को पुष्पमाला एवं अंग वस्त्र प्रदान कर स्वागत करते हुए कहा कि माननीय सम्राट जी 6-6 पूर्व अध्यक्ष का सानिध्य अनुभव एवं आशीर्वाद के साथ भाजपा की टीम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे और 2024 में 40 सीट पर कमल खिलाएंगे। निधि सिंह के साथ टीम की रिपोर्ट। देखिए आज पूरा पटना जो सुमन उत्साह से भरा हुआ है। बिहार के विभिन्न जिलों से नगर पंचायत प्रखंड टोला टोला से कार्यकर्ता आज पटना आए हैं और नव निर्वाचित बिहार प्रदेश के अध्यक्ष माननीय सम्राट चौधरी जी के स्वागत में आज हाथों में पुष्प लिए माला लिए स्वागत के लिए खड़े हैं। किसान मोर्चा की ओर से जहां एक और बैलगाड़ी की कतार ट्रैक्टर की कतार तो दूसरी ओर घोड़ा पर बैठे कमल का फूल लिए हुए कमल का झंडा लिए हुए आज किसान मोर्चा की ओर से सस्वी अध्यक्ष के स्वागत करने के लिए हम सब यहां पर खड़े हैं। वहीं दूसरी ओर पटना साहिब के हम सब कार्यकर्ता पुष्प की बारिश करके शंखनाद के साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर शंखनाद भी किया जा रहा ढोंग नगाड़ों के साथ आज हम लोग यशस्वी नव नियुक्त अध्यक्ष को यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। पुष्प की बारिश से देख रहे हैं कि यहाँ पर चारों तरफ पुष्प की वर्षा हो रही है। हमारे नव निर्वाचित अध्यक्ष महोदय भाग्यशाली है कि 6-6 ऐसे पूर्व के तहत जब माननीय नंदकिशोर जी हो राधा मोहन सिंह जी हो सुशील जी हो नित्यानंद राय जी हो मंगल पांडे जी हो और अभी निवर्तमान डॉक्टर संजय जायसवाल जी हो ऐसे 6 अध्यक्ष के बीच में उन्हें सानिध्य भी प्राप्त हो रहा और उनका अनुभव का लाभ मिलेगा। और माननीय अध्यक्ष महोदय ने अपने संबोधन में कहा भी कि बूथ अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक के लिए हम एकजुटता के साथ काम करेंगे और आगामी 2024 में लोकसभा के चुनाव में 40 में 40 सीट और 2025 में विधानसभा के चुनाव में 200 सीटों पर कमल खिला के इस पलटू सरकार को पलटेंगे और भारतीय जनता पार्टी का इस मुख्यमंत्री आवास पे हम लोग सरकार बना के अपने झंडा को लड़ाएंगे और निर्धन असहाय गरीब गुरबा खेत खलियान मजदूर किसान को हाथों में ये सत्ता सौंप कर बिहार को खुशहाल बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संजीव कुमार यादव प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा।